Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. लेडीबग देखती रहती हो, बंद करो इसे अभी, अब मैं टीवी देखूंगा। आप भी तो हर वक्त ड्रैगन बॉल Z ही देखते हैं। मैंने तो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया, आज मुझे होमवर्क कम मिला है इसीलिए देख रही थी। बंद करो इसे अभी, अब मैं टीवी देखूंगा। लीजिए, फिर लाइट चली गई। उफ भाई, बहुत गर्मी लग रही है, बोरियत भी हो रही है और करने के लिए भी कुछ नहीं। बेटा, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग हमेशा कमरे में बंद रहते हो और मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। चलो आओ मेरे साथ, बाहर लॉन में चलते हैं। लेकिन अब्बू, बाहर गर्मी हो रही है, हम करेंगे क्या? अल्लाह ने हमें बहुत सी चीजों से नवाजा है, अब जरा अपने लॉन ही पर नजर डालिए। तरह तरह के फूल और पौधे हैं वहाँ, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि माली के साथ साथ हमें भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। इन सबको हमारी तवज्जो की जरूरत होती है। हाँ बेटा, तुम्हारे दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो, पौधों को पानी देने का वक्त हो गया है। अबू प्लीज, मैं भी पौधों को पानी दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई, आपके दोस्त आए हैं। अबू, मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दादा अबू, बहुत ही खूबसूरत लॉन है आपका। हाँ देखो, फूल भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दादा अबू इनका खास ख्याल रखते हैं। अब मैं भी रोज दादा अब्बू के साथ लॉन में कुछ वक्त गुजारूंगा। दादा अब्बू देखे, हमारे लॉन में कितनी खूबसूरत तितलियां हैं। देखे ये वाली कितनी शरारती है, जब भी इसे पकड़ने के लिए जाती हूँ ये उड़कर दूसरे फूल पे चली जाती है। इतना आसान नहीं है इन्हें पकड़ना, क्यों भाई राशिद? सही कहा, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। हम लोग भी कई दफा भागे हैं तितलियां पकड़ने के लिए, लेकिन ये बहुत होशियार होती हैं। अम्मी जान ने एक दफा बताया था कि ये अपनी शक्ल में आने से पहले बहुत खराब शक्ल में होती हैं। अंकल, आप हमें कुछ बताएंगे बटरफ्लाई के बारे में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें चल रही हैं भाई, कोई मुझे भी तो बताए। पता है अंकल हमें बटरफ्लाईज के बारे में बताने वाले हैं। हाँ हाँ, लेकिन इससे पहले सब जूस पियेंगे। अबू प्लीज जल्दी शुरू करें ना। अच्छा अच्छा ठीक है, सुनो, ये जो बटरफ्लाई होती है ये चार स्टेजेस के बाद जाकर बटरफ्लाई बनती है। पहली स्टेज एग, दूसरी कैटरपिलर, तीसरी प्यूपा और चौथी फुली ग्रोन बटरफ्लाई। इस पूरी बटरफ्लाई लाइफ साइकिल को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। बटरफ्लाई की जिंदगी छोटे से एग से शुरू होती है और ये एग्स मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। इनके शेल्स देखने में काफी नाजुक होते हैं पर होते सख्त हैं। इन एग्स के ऊपर एक छोटा सा गढ़ा होता है जो इनकी हिफाजत के लिए होता है और उसे मैक्रोफिल कहते हैं, जिसके जरिए हवा और पानी अंडे में दाखिल होते हैं और ये प्रोसेस 7 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान अंडे के अंदर लार्वा बन रहा होता है और जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है लार्वा अपने जॉस से अंडे के शेल को तोड़ देता है। इस लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर। एग से बाहर आने के बाद कैटरपिलर उसी एग का शेल खाता है जिससे वो बाहर आया होता है। उसके बाद वो उस पत्ते को खाता है जिस पर एग रखा होता है। इसे मेन फीडिंग स्टेज कहते हैं। जब कैटरपिलर अपने असल साइज को पहुंचता है तो अपने इर्द गिर्द एक स्वीट पैड वीफ बनाता है जो कि प्यूपा कहलाता है। शायद तुम लोगों ने देखा हो, वैसे वो अक्सर पौधों के पत्तों पे नजर आते हैं। प्यूपा के प्रोटेक्टिव शेल को क्रिसलिस कहते हैं। फिर 2 से 3 हफ्तों के बाद आपको एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई उड़ती हुई नजर आती है। वाओ, अमेजिंग। अंकल, बटरफ्लाई कितने किस्म की होती हैं? बेटा, वैसे तो बेशुमार किस्म की हैं, लेकिन उनमें से 10 ऐसी हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है मोनार्क, दूसरे नंबर पर कॉफी बी हॉक मॉथ, तीसरे नंबर पर डेड लीफ बटरफ्लाई, चौथे नंबर पर ब्लू बॉर्फो, पांचवें नंबर पर 88 बटरफ्लाई, छठे नंबर पर
सफीना एंजल, सातवें नंबर पर ग्लास विंग बटरफ्लाई, आठवें नंबर पर एमराल्ड स्वालोटेल, नवे नंबर पर बर्ड विंग बटरफ्लाई और दसवें नंबर पर द ग्रीन ड्रैगन टेल। ये ग्रीन ड्रैगन टेल के बारे में मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। जी जी क्यों नहीं, प्लीज। ग्रीन ड्रैगन टेल स्मॉल साइज में होती है और ये स्वालो टेल स्पीशी से ताल्लुक रखती है। ये ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, थाईलैंड और दूसरे साउथ एशियन ममालिक में पाई जाती है। इसके विंग्स 1.6 से 2.2 इंचेस तक होते हैं। आमतौर पर ये सफेद और काले रंग की होती हैं। इनके विंग्स पर काले बॉर्डर्स और व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं। अरे वाह जबरदस्त, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। अंकल बटरफ्लाई कितने दिन जिंदा रहती है? बेटा इनकी जिंदगी 20 से 40 दिन की होती है। अबू ये कैसे खाती हैं? इनका तो मुंह ही नजर नहीं आता। बेटा ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि बटरफ्लाई अपनी टांगों के जरिए फूलों से रस चूसती है। और मजे की बात ये है कि वो सिर्फ फूलों पर ही बैठती है, न पत्तों पे न शाखों पे। सुभान अल्लाह। अंकल आपने तो आज हमें बटरफ्लाई के बारे में बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। थैंक यू। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये तो बड़ों का फर्ज होता है। मेरे ख्याल से हम दोस्तों को हफ्ते में एक बार ऐसी ही सिटिंग रखनी चाहिए ताकि हमें जानने और सीखने का मौका मिल सके। अंकल आप टाइम दे सकेंगे ना हमें? हाँ बेटा, मैंने कब मना किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई इस क्लास में तो मैं भी हिस्सा लेना पसंद करूँगा और मैं तुम सबके लिए बहुत ही जबरदस्त मजेदार से डिश बनाऊंगी। थैंक यू आंटी।